हेलो दोस्तों, भावनाज डायरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। तो यहाँ लिया है मैंने पालक, बथुआ और सरसों। सरसों थोड़ा ज़्यादा है, इसे हम अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे और 2 से 3 पानी ये साग अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद साग को हम अच्छे से काट लेंगे, रफली चॉप करेंगे। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसे डालेंगे प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर में डालकर इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। और ये देखिए, ये साग पककर रेडी है। तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म किया है, इसमें डाला है 3 से 4 चम्मच बटर, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, कटा हुआ प्याज, यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है जिसे बारीक डाइस में काट लिया है। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसमें मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ नमक। नमक से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी फ्राई हो जाता है। और ये देखिए, ये प्याज फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट 2 चम्मच। इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन दोनों मसालों को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ध्यान रखेंगे आँच कम रखिए, वरना सूखे मसाले जल जाते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर पिसा हुआ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो साग बॉईल किया था उसे हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे और उसका एक स्मूथ प्योरे तैयार कर लेंगे। उसे भी हम इस मसाले में ऐड करेंगे। ये साग बहुत स्वादिष्ट और साथ ही बहुत हेल्दी होता है। बच्चों को भी इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। इसे आप प्लेन पराठे, नान, कुलचे और नॉर्मली इसे सर्व किया जाता है मक्के के रोटी के साथ। मेरे चैनल पे मैंने डाला है आप कैसे नॉर्मल कॉर्न या मक्के से मकई का दलिया और मकई का आटा बना सकते हैं, और मकई के आटे और गेहूं के आटे को मिलाकर आप कैसे एक स्मूथ और टेस्टी रोटी बना सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ साग बहुत हद तक पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच मक्के का आटा। इससे इसका टेक्सचर बड़ा ही स्मूथ हो जाता है और साग में एक बाइंडिंग आ जाती है। तो ये देखिए, ये साग को मैंने फिर से आटा डालने के बाद 2 मिनट पका दिया है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ बटर के साथ। तो ये साग बिल्कुल तैयार है। इसे आज मैंने मकई की रोटी के साथ बनाया है। मकई का रोटी भी 2 तरीके से बनता है। एक आप प्योर मकई के आटे से बना सकते हैं, दूसरा आप गेहूं के आटा मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये दोनों ही रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।